महामारी के समय में आप जिस प्रकार लोगों को न्यूज़ पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं कि कल भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी ने जिस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाया, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो करप्शन का अड्डा बन चुकी है। उससे यह साबित होता है जो विक्रम रंधावा जी ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ बैठकर चुनिंदा अफसरों के सहारे जम्मू की दलाली खा रहे हैं। क्या 370 आपने इसलिए तोड़ा कि आप यहाँ बैठकर जम्मू की दलाली खा सके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप PMO में बैठकर जो धांधली कर रहे हैं, जो माइनिंग माफिया जम्मू शहर के अंदर इस प्रकार हावी हुआ, जो 1000 की ट्राली आज 5 से 7 हजार में मिल रही है, जिस प्रकार एक्साइज पॉलिसी को जम्मू शहर के अंदर लागू किया गया, ये सब सोची समझी साजिश थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 8 साल के कार्यालय के दौरान आप कितनी बारी, क्या 18 बार भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टूर किया, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने चुनाव वैली के अंदर और उधमपुर रियासी के अंदर जो कार्यालय किए, क्या आपने उन सड़कों को भी रिपेयर करने का काम किया? बजाय इसके आपने जम्मू में दलाली करने का काम किया, जम्मू का ऑक्शन कर दिया, जिस प्रकार आपने वाइशा वालों का ऑक्शन किया, जिस प्रकार आपने माइनिंग माफिया का ऑक्शन किया। हम आपसे रिजाइन मांगते हैं और आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपसे पूछते हैं कि जिस प्रकार आपके अपने ही MLC ने कहा कि जम्मू की दलाली का पैसा PMO में बैठकर कौन कौन से मंत्री खा रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर तक भी जम्मू की दलाली का पैसा जा रहा है? यह गरीब जनता का पैसा है, गरीब जनता की खून पसीने की कमाई है। एक गरीब व्यक्ति अपने घर का लेंटर नहीं डाल सकता, पहले उसको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन नहीं मिलती, और जब मिल जाती है तो माइनिंग माफिया आगे आ जाता है। 1000 की ट्राली आज आप 7-7 हजार में बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के उन तमाम लीडरगण को। 84 डेज BSF CISF के बच्चे आपके घर के बाहर बैठे रहे, जो आपकी अलीशान कोठी बन रही है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन आपका एक भी कार्यकर्ता, एक भी सीनियर लीडर गण, आप उन बच्चों की सुनवाई करने के लिए नहीं आया। क्या कसूर है जम्मू का? क्या यह कसूर है कि निस्वार्थ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपकी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू शहर ने निस्वार्थ वोट किया? क्या यह जम्मू शहर का कसूर है? आज आप ही के सीनियर लीडर्स जो हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी आपका रिजाइन मांगती है, और अगर आपका रिजाइन नहीं आया तो हम आपके घर का और आपका घेराव करेंगे।